गर्मियों का मौसम भी नहीं है, लेकिन गर्मी तो देखो। आज तो मार्केट के सेल का पूरा फायदा उठाऊंगा। हाँ, अरे मेरे कूपन्स। हाँ, ये क्या चीज है? ये बोलते भी है? कैसे होता? टिम्बकटू? ये बोलते हुए मिट्टी के खिलौने हैं, हैं? तुम्हें पसंद है? नहीं, मैं तो बस देख रहा था। अच्छा हाँ, ये वाला कहाँ गया? ये जगह खाली क्यों है? दुख भरी कहानी है। कल रात तक यहीं थी, पर सुबह न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं इसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। फिक्र मत करिए, मिल जाएगा। कल आप जहाँ भी गए वहाँ जाके देखिए। फिलहाल मुझे कहीं जाना है, बाद में मिलते हैं। भीड़ बहुत थी, लेकिन शॉपिंग अच्छी हो गई। एक के साथ एक फ्री का ऑफर कौन छोड़ेगा? इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने उस आदमी पे बेमतलब हमला कर दिया। उसके हाथों में तलवार थी और दौड़ते उसने मुझ पे हमला कर दिया। बेचारा वो आदमी, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हमने वो भी किया, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला, अभी तक नहीं। अरे पता नहीं क्या चल रहा है, गलत हुआ बेचारे के साथ। कब तक चलेगा? पुलिस क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ भाई साहब? उसने बिना किसी कारण के हमला कर दिया। आजकल के बच्चे। अच्छा ऐसा है, मुझे लगा ये लोग जादुई पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा हुआ मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, मैंने पूरे 2 रुपए बचा लिए। कितना स्मार्ट हूँ मैं। और हाँ, तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो, बताओ। क्या तुम लड़ना चाहते हो? लड़ना चाहता हूँ। ठीक है, कैमरा कहाँ छिपा के रखा है? हाँ? 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 ये क्या? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? मेरी बोतल। जादुई पत्थर। कल रात वो यहीं था, पर सुबह गायब हो गया। मैं उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। समझ गया, ये सब उस पत्थर की वजह से है। मैं जानवरों से परेशान हो गया हूँ, ये इतना शोर मचाते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके पास एक पत्थर है, क्या किस्मत पाई है मैंने। मेरा लैब कोट नहीं। अब ये लो थोड़ा सोनिक रेस। ये फेल हो गया। ये लो तूफानी धमाका, नहीं तो ये लो। ये शोर कौन मचा रहा है? मास्टर अब ठीक है? मजेदार है। क्या तुम लड़ना चाहते हो? लड़ना है? हाँ क्यों नहीं, लेकिन शहद खाने के बाद। मेरा शहद? या काम हो गया क्या? बस एक और बाल्टी। बाबू, क्या तुम लड़ना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? बचो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बबलू, तुम हमारी मदद क्यों नहीं होगी? ओए क्या हुआ, तुम लोगों को चोट कैसे लगी? उस पत्थर की वजह से। उस डॉल में जान आ गई और फिर उसने हमें बहुत मारा। हाँ लक्का सही कह रहा है, वो बहुत ताकतवर है। जब से वो जादुई पत्थर हमारे जंगल में आए हैं, हमारा जीना हराम हो गया है। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते। मांगो की मदद से हमें सुरंग खोद के जाना पड़ेगा।
ये सब उस करमचंद की ही गलती है, सारी फसाद की जड़ वही है। हमें वो पत्थर उससे पहले ही लेना होगा। चलो चले। रुको जरा, वो डॉल बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते। हम सबको तैयारी करनी होगी। तो तुम ही बताओ क्या करें। अभी बताता हूँ, हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत है। इस किताब की मदद से हम उसको हराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हैया, जरा एक मिनट रुको। सुनो लखा, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी फिक्र मत करो लखा, मैं बहुत थक गया हूँ। इससे काम बन जाएगा ना? बिल्कुल काम बनेगा। उस किताब में मेरे बहुत पैसे लगे हैं। डब्लू, लगे रहो। मिस्टर बिल्ला, थोड़ा आराम से करो। मास्टर, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। ये दवा आपके जख्मों को भर देगा। छतरियों के साथ नाच रहे हैं, ऐसा क्यों? उनको ये सब करते रहने दो और मैं जाके पत्थर ले आऊंगा। कोई बात नहीं, वो अपना ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब सही कह रहे हैं मास्टर। हम इस जंगल में योद्धा हैं। वक्त आ गया है। हैया, पैर। तुमने तो कहा था कि चिंता मत करो। ठीक तो हो ना? उस पे नजर रखो, वो हमारे पास ना आने पाए। क्या तुम लड़ना चाहते हो? तुम दोनों उसका ध्यान बटाओ। ओए मैं यहाँ तो हमसे लड़ो। शो शुरू हो गया। छतरी का हमला। छतरी का बचाव। ओए लखा, हम तो तेरे ही टीम से हैं। सॉरी। ये लो सीधा वार। ये ले 2.5 किलो की छतरी। मैं देखता हूँ। अब देखो मेरा कमाल। भाई, लगता है हम इससे नहीं जीत पाएंगे। अब तुम उसे बच नहीं सकते। इसने तो पेड़ काट दिया। ये तुमने सही तुमने नहीं किया। हमारे जंगल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। उसने तोड़ दिया। ये तो बहुत तेज है भाई। अच्छा, तो मेरे छाते के वार से बच गए। ओह, चलो यहाँ कोई नहीं है तो मैं खुद ही पानी भर के घर ले जाता हूँ। कोई देख नहीं रहा है मुझे। ओए कमाल हो गया। भाई, अरे नहीं, अब हम क्या करें? एक मिनट। समझ गया बबलू, वो पानी में पिघल जाता है। बबलू, मुझे फेंको। लगा अपना कमाल दिखा दो। अब बचो। आखिर हम जीत ही गए। चलो जादुई पत्थर ले ले। करमचंद, फिर से नहीं। करमचंद, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मास्टर पत्थर, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब मेरी बारी है। क्या तुम लड़ना चाहते हो? अब ये क्या है? बाल बाल बचे। मिस्टर बिल्ला, जादुई पत्थर लेकर आओ। हाँ मास्टर। एक और जादुई पत्थर मेरे नाम हुआ। भाई करमचंद, वापस आ जा। भाई, करमचंद जीत गया एक बार फिर से।
हम मेरे मॉन्स्टर बॉट को खत्म करने के एक कदम और पास आ गए। ये तो कमाल हो गया। हाँ? ओ? मेरे चमन में बाहर आ गई। अब लोग मुझे टकलू नहीं बुलाएंगे। क्या बात है! आपके इतने पैसे मेहमान आने वाले हैं। हाँ? मुझे लेट हो गया। आइए और यह नजर घुमाइए। पेट ग्रूमिंग के लिए सबसे शानदार दस्ताने। बहुत ही कम दाम में और इसे इस्तेमाल करना आसान है। हे प्यारी बच्ची, क्या तुम एक लेना चाहोगी? ये देखो, पेट्स को बहुत पसंद आता है। क्या तुम्हें चाहिए एक? हो सकता है उसे पसंद आए। सुनो तो छोटी बच्ची, सुनो। मुझे जल्दी जाना होगा। पैर फिसल गया। अपने बालों को बचाओ। और एक कस्टमर। चलो, बाल बाल बच गए। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मुझे नहीं चाहिए। अरे रुकिए, आज आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सच में? शायद मेरे बालों की वजह से। आपको ये ग्लव्स लेने चाहिए। ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आपको इसका रोज इस्तेमाल करना चाहिए घने घुंघराले बालों के लिए। घने घुंघराले बाल? कितने का ये? आपके लिए बस 20। मैं 10 दूंगा। ठीक है, ये लीजिए। सभी लोग बस के बाहर आ सकते हैं। जंगल के सफर में आपका स्वागत है। यहाँ के सुंदर नजारों को देखिए, साफ हवा को महसूस कीजिए। ये आदमी कुछ अजीब नहीं है। सही कहा, वो सर रगड़ता रहता है। इस तरफ आइए। ये कितना अजीब है। ये कह रहा है कि आसपास ही कोई जादुई पत्थर होगा, पर हमें दिख क्यों नहीं रहा? हाँ, हमें हर जगह देख लिया। अब वक्त है तूफानी धमाके का। ये लो, ये लो। कुछ भी नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता? मास्टर, क्या आप ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जंगल के सबसे खूबसूरत फूल कहाँ उगते हैं। क्या वो लखा है? लगता है वो भी यहाँ आया जादुई पत्थर के खोज में। है ना ये कमाल की जगह। क्या ये तुम्हारा सबसे खूबसूरत जगह है? ये सब तुम क्या दिखा रहे हो हमें? और इस जानवर के ग्लव्स के साथ क्या कर रहे हो? क्या कहा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। रुकिए, मेरी बात सुनिए। बस इसी की कमी थी। आज तो बैड लक ही खराब है। मुझे ना ही अपने बाल खोने और ना ही नौकरी। तेरी की, उस आदमी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दस्ताना, वो भी जानवरों का। वो गंजू अपना सिर कुत्तों वाले दस्तानों से रगड़ रहा था। क्या हो रहा है? इन फूलों को क्या हो गया? बाप रे! अरे नहीं, बबलू और डब्लू लोटस वैली में घूम रहे हैं। चिंता मत करो, आज रखवाली की जिम्मेदारी मेरी है। भालुओं के बिना भी हम इस गड़बड़ी के तह तक पहुंच सकते हैं। आप सही हो राजा लल्लू। और वैसे भी ये काम करमचंद का ही होगा, वो हमेशा ऐसा ही करता है। राजा लल्लू, ये देखो। एक दस्ताना? क्या मुझे इसे पहनना चाहिए? लेकिन उस पर जो दांत है वो चल रहे हैं। शायद मजा आएगा। मेरा हाथ रुक नहीं रहा। आप अच्छे लग रहे हैं राजा लल्लू। ये बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे मिल गया, उसमें पत्थर है। मेरा हाथ बेकाबू हो रहा है। करमचंद, मैं जानता था तुम ही होगे। तो क्या, वो दस्ताना मुझे दो। मुझसे ऐसे बात मत करो, बदतमीज गई के। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये लो। राजा लल्लू, मुझसे पंगा लेंगे? क्या मजाक है? अब ये पत्थर मेरा है। अरे वो कहाँ गया? मिल गया, वो रहा पत्थर और ये मेरा है। अरे नहीं, ये मेरा हाथ को कंट्रोल कर रहा है। क्या मैं मदद करूं? रुक जाओ, अरे रुक जाओ। मास्टर, मैं कोशिश करता हूँ।
ये ना समझ दस्ताना पागल हो गया ये बात जाए ऐसे तो ये जादुई पत्थर नहीं मिल पाएगा मास्टर मेरे लिए रुको क्या तुम रुकोगे ये शलगम तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया मेरे पंख मैंने वो दस्ताना यहीं आसपास फेंका था उन फूलों के पास शायद वहीं होगा लल्लू बाबू क्या तुमने यहाँ कोई दस्ताना पड़ा हुआ देखा उस दस्ताने में जादुई पत्थर है मैंने उसे पहना मेरा हाथ बेकाबू हो गया था और फिर करमचंद ने उसे ले लिया अरे नहीं लल्लू अब हम क्या करेंगे बताओ आज जंगल की रखवाली की जिम्मेदारी मेरी है इसलिए मुझे ही कुछ सोचना होगा तुम्हारे बाल निकल आए लखा आज सुबह उठते ही मैंने अपने बाल देखे उस दस्ताने से मैं इनकी देखभाल करता था फिर तो हमें वो दस्ताना वापस लेना चाहिए उसमें जादुई पत्थर है इसलिए वो खतरनाक है हमें करमचंद को ढूंढना चाहिए ये सब क्या है लल्लू बाबू कैसे हो कौन हो तुम मैं चिंटू हूँ और ये मंगू है क्या तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है पसंद आए तुम्हें रास्ते में हमें करमचंद मिल गया और उसने हमारे बाल अपने दस्ताने से ऐसे कर दिए आज तो ऐसा लग रहा है मैं कोई मॉडल हूँ बिल्कुल सही कहा करमचंद ने आज हमसे अच्छा व्यवहार किया ये अजीब बात है ना ये दस्ताने का काम है क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया वो प्लेन वाली कैंटीन में जा रहा था चलो हमें जल्दी जाना होगा करमचंद को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं इतने खराब हेयर कट के साथ बाहर कैसे जा सकता हूँ अब तो मेरी माँ भी मुझे नहीं पहचान पाएगी कोई मदद करो मुझे अकेला छोड़ दो मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता हेयर स्टाइल खराब मत करो वो हमारी बात कर रहा है माफ करना मदद नहीं कर पाऊंगा कोई तो बचाओ मुझसे दूर रहो ये रुक गया निकालो इसे अरे ये क्या कर दिया ये तो खतरनाक है मुझे इसे अपने बालों से दूर रखना होगा ये निकल क्यों नहीं रहा है ओ नहीं ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है साधन तो बच गया अब अगला कौन राजा लल्लू मैं आपको बचाऊंगा मुझसे दूर रहो छोड़ो मुझे मेरे सर पे सिर्फ चार बाल थे और वो भी तुमसे नहीं देखा गया माफ करना लेकिन ये मेरी गलती बाप रे हमें कुछ करना चाहिए मैं अपने बाल को बचा के ही रहूंगा दस्ताना कह रहा है कि वो बाल मैं लेकर रहूंगा मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ अब तुम कहीं जा नहीं सकते ये काम कर गया क्या मुसीबत है मेरे बालों को अकेला छोड़ दो अकेला छोड़ दो बचना मैं भी परेशान हो चुका हूँ कोई मेरी मदद करो कोशिश करता हूँ हमें लखा के बालों को बचाना होगा सब मिलकर खींचते हैं मास्टर नहीं चले जाओ मुझे छोड़ दो रुक गया तब तो तुम गए ये फिर से ऑन हो गया मिस्टर बिल्ला इस दस्ताने को फ्रीज करो जल्दी उसने कर दिखाया वो दस्ताना अभी भी काबू में नहीं है हमें पत्थर निकालना होगा आजादी मेरे खूबसूरत हाथों को देखो अपने बालों का बदला लूंगा लखा उस दस्ताने को मत पहनना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा करमचंद मास्टर उसके साथ कुछ गलत हुआ है वो मेरे बालों के पीछे है भागो तुम मुझसे भाग नहीं सकते अब क्या हो रहा है मुझसे दूर रहो मुझे तुम्हारी तरह गंजा नहीं हो रहा है
कभी तो बाहर आओगे ना, हमेशा अंदर चिपके नहीं रह सकते तुम। वो तो वक्त ही बताएगा। मैं बस घने घुंघराले बाल चाहता था तुमसे, वो भी नहीं देखा गया। दस्ताना लखा को काबू में क्यों नहीं कर रहा है? हर चीज की एक सीमा होती है। वो दस्ताना गंजे आदमी पर काम नहीं करेगा, वो पागल हो गया है। मुझे बाल चाहिए ना?